नमस्कार साथियों स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में साथियों जे एग्ज़ाम के लिए हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज़ चल रही है जे से रिलेटेड यूनिट वाइज़ वीडियोस आपको बैंकर साथी चैनल पर मिल जाएंगे आप सारे वीडियोस वहां से देख सकते हैं और वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेलाइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे आज हम डिस्कस करेंगे पेपर थ्री की यूनिट फाइव जिसका नाम है पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स इसमें हम पढ़ेंगे स्टेट बैंक एंड इट्स सब्सिडरीज रीजनल रूरल बैंक्स नेशनलाइज बैंक्स एप्लीकेशन ऑफ बी आर एक्ट टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स ये सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे तो बने रहे मेरे साथ स्टेट बैंक एंड इट्स सब्सिडरीज साथियों स्टेट बैंक वॉज स्टेब्लिस्ड अंडर सेक्शन थ्री ऑफ स्टेट बैंक एक्ट नाइनटीन फिफ्टी फाइव इट इज अ बॉडी कॉरपोरेट विथ परपैचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील एंड शेल सू एंड कैन बी सूड इन इट्स नेम साथ ही वो स्टेट बैंक का है जो सेक्शन थ्री स्टेट बैंक एक्ट नाइनटीन फिफ्टी फाइव में आया था उसके सेक्शन थ्री के तहत इसकी स्थापना की गई थी एस बी आई की और कॉरपोरेट बॉडी है परपैचुअल सक्सेसन है साथ ही कॉमन सील है और इसमें यह अपनी कैपेसिटी में किसी भी पर्सन को या एंटिटी को सू कर सकता है कोर्ट में केस कर सकता है और एस बी आई के नाम पर भी मतलब कोर्ट में केस या इसको सू किया जा सकता है तो ये जो प्रॉपर्टी है परपेचुअल सक्सेशन कॉमन सील ये साथियों जो भी जितनी भी जो कंपनीज होती हैं जो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर होती हैं उन सभी में ये होता है कि उनके पास कॉमन सील होती है और वो सू कर सकते हैं किसी एंटिटी को और खुद भी उन्हें भी सू किया जा सकता है मेजोरिटी शेयर होल्डर आर विद शेयर्स आर विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नो शेयर होल्डर अदर देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन एक्सरसाइज वोटिंग राइट्स अबव टेन परसेंट तो एस के जो मेजर शेयर्स हैं या जो मेजोरिटी शेयर होल्डर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और कोई भी दूसरा शेयर होल्डर जिसके पास शेयर्स हैं वो अपने वोटिंग राइट्स 10 परसेंट से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकता एस का सेंट्रल ऑफिस मुंबई में है और लोकल ऑफिस जो हैं वो मुंबई कोलकाता और चेन्नई में हैं और एस बी का जो सुपरिनटेंडेंस है डायरेक्शन ऑफ अफेयर ऑफ बैंक इज़ वेस्टेड इन सेंट्रल बोर्ड सेंट्रल बोर्ड एस का जो होता है उस वो सारे अफेयर्स को बैंक के रेगुलेट करता है विच हैज टू वर्क अकॉर्डिंग टू बिजनेस प्रिंसिपल एंड इन पब्लिक इंटरेस्ट अब इनको बिजनेस पब्लिक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही एक्ट करना होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बैंक इन पॉलिसी मैटर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसी मैटर्स पे एस बी आई को डायरेक्शन दे सकती है इन कंसल्टेशन विद आरबीआई एंड चेयरमैन ऑफ एस बी आई बोर्ड शेल कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन एम डी अपॉइंटेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अदर डायरेक्टर तो चेयरमैन होगा इसमें बोर्ड में और एम डी होंगे जो कि चार से ज़्यादा नहीं हो सकते मैनेजिंग डायरेक्टर्स इनको अपॉइंट कौन करेगा अपॉइंट करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इसमें बाकी डायरेक्टर्स होंगे चेयरमैन एंड एम डी आर अपॉइंटेड फॉर मैगजिम फाइव ईयर एंड आर एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट पाँच साल के लिए एक बार अपॉइंट किए जाएंगे और पाँच साल पूरा होने के बाद में अगर गवर्नमेंट चाहे तो उनको दोबारा से भी री अपॉइंट कर सकती है देयर सर्विसेज मे बी परमिनेटेड टर्मिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर कंसल्टेशन विद आरबीआई आफ्टर गिविंग थ्री मंथ नोटिस और नोटिस पे इन द ल्यू देअर ऑफ तो उनकी सर्विसेज़ जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कभी भी समाप्त उनकी सेवाएँ समाप्त की जा सकती हैं तीन महीने का नोटिस देना होता है या फिर नोटिस अगर नहीं देते हैं वो तो तीन महीने की जो नोटिस की नोटिस पे की दिया जाता है नोटिस के समय जो सैलरी उनको है मिलती वो उनको दे के उनको उनकी सर्विसेज जो है वो टर्मिनेट की जा सकती हैं सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं एस बी आई शेल एक्ट एज एजेंट ऑफ आर बी आई एट प्लेसेज वेयर एस बी आई हैज़ ब्रांच एंड आर बी आई हैज़ नो ब्रांच तो कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर आर बी आई की ब्रांचेज नहीं है लेकिन एस बी आई की ब्रांच है तो उन सभी जगहों पर एस बी आई जो है वो आर बी आई के एजेंट के रूप में काम करता है एस बी आई में डू बैंकिंग बिजनेस एज गिवन इन सेक्शन फाइव बी एंड अदर बिजनेस गिवन इन सेक्शन सिक्स ए ऑफ बी आर एक्ट तो बाकी जो बैंकिंग कंपनीज़ हैं उन्हीं के तरह एस बी आई भी सेक्शन फाइव बी जो बी आर एक्ट का है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का है और सेक्शन सिक्स वन में जो जो काम दिए गए हैं जो जो बिजनेस दिए गए हैं उन सभी को एस बी आई परफॉर्म कर सकता है एस बी आई इज परमिटेड टू एक्वायर बिजनेस ऑफ अदर बैंक विद द सेंक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सो बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद विद आर बी आई तो एस अगर किसी बैंक को का जो बिजनेस है वो एक्वायर करना चाहता है तो वो कर सकता है जब भी उसको गवर्नमेंट सेंक्शन करे ऐसा करने के लिए कहे और गवर्नमेंट ऐसा करती है कंसल्टेशन विद आरबीआई आरबीआई की कंसल्टेशन लेके गवर्नमेंट कह सकती है एसबीआई को बैंक, बैंकिंग बिजनेस किसी दूसरे बैंक का एक्वायर करने के लिए एसबीआई हैज टू क्लोज इट्स बुक्स एंड बैलेंसेज अकाउंट ऑन थर्टी मार्च एंड अदर डेट्स और अदर डेट एज मे बी स्पेसिफाइड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट तो एस बी आई को जैसे बाकी बैंकिंग कंपनीज़ के लिए भी यही रूल है थर्टी फर्स्ट मार्च को उनको अपनी जो बुक्स हैं बैलेंस शीट अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो सब बंद करने होते हैं उनकी डेटा तैयार करना होता है या कोई और डेट अगर थर्टी फर्स्ट मार्च ना हो कोई और डेट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है तो उस डेट को उनको अपनी बुक्स और बैलेंसेज क्लोज करने होते हैं और उसके तीन महीने के अंदर थर्टी फर्स्ट मार्च के बाद तीन महीने के अंदर अपनी बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अलॉन्ग विद ऑडिटर रिपोर्ट एंड अ रिपोर्ट बाय सेंट्रल बोर्ड ऑन वर्किंग एंड एक्टिविटी ऑफ बैंक टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई तो ये एक तो अपना बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट उसके साथ में ऑडिट जिसने ऑडिट किया है उसकी ऑडिटर की रिपोर्ट और एक और रिपोर्ट जाती है जो कि इनका सेंट्रल बोर्ड एस का बनाएगा सेंट्रल बोर्ड की रिपोर्ट किस चीज़ बनती है ऑन वर्किंग एंड एक्टिविटी ऑफ बैंक की बैंक की वर्किंग और एक्टिविटी कैसी हो रही है इसके बारे में पूरी जो रिपोर्ट तैयार करके ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाती है और आरबीआई को जाती है आर के बारे में पढ़ते हैं साथ ही रीजनल रूरल बैंक आर आर बीज आर पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशनस रीजनली बेस्ड रूरल ओरिएटेड एंड एंगेज इन कॉमर्शियल बैंकिंग तो रीजनल रूरल बैंक जो हैं वो पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन होते हैं रीजनली बेस्ड होते हैं पर्टिकुलर एरिया में कन्फाइंड होते हैं रूरल ओरिएंटेड होते हैं ग्रामीण बेस्ड होते हैं ग्रामीण शाखाएं होती हैं इनकी और इंगेज होते हैं कॉमर्शियल बैंकिंग में कॉमर्शियल बैंकिंग करते हैं दे वर फर्स्ट सेटअप इन 1975 अंडर आर ऑर्डिनेंस 1975 ऑर्डिनेंस वाज लेटर रिप्लेस्ड बाय आरआरबी एक्ट 1976 तो 1975 में ऑर्डिनेंस आया था उसके तहत आरआरबी की स्थापना हुई थी उसके बाद में ये ऑर्डिनेंस जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी ऑर्डिनेंस आता है उसको एक्ट में बदलना होता है अदरवाइज वो ऑर्डिनेंस जो है वो प्रभावी नहीं रहता निष्क्रिय हो जाता है तो इसी ऑर्डिनेंस के तहत नाइनटीन ऑर्डिनेंस के तहत आर ऑर्डिनेंस के तहत रीजनल रूरल बैंक की स्थापना हुई थी उसके बाद में 1976 में प्रॉपर आरआरबी एक्ट बन गया था अब इसका सेक्शन थ्री जो है वो ऑथराइज करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू इस्टबलिश आर आर बी बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट एट रिक्वेस्ट ऑफ़ स्पॉन्सर बैंक टू ऑपरेट विद इन लोकल लिमिट्स तो सेक्शन तीन जो है आर आर बी एक्ट का वो ऑथराइज करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो किसी भी आर आर बी को इस्टेब्लिश कर सकती है अंडर एक बार ऑफिशियल गैजेट में वो नोटिफिकेशन देना होता है लेकिन वो कब देती हैं रिक्वेस्ट ऑफ स्पॉन्सर बैंक जो इस्पॉन्सर बैंक होगा जो भी आर होते हैं उनका एक स्पॉन्सर बैंक होता है कोई नेशनलाइज बैंक होगा जो उसका स्पॉन्सर होगा वो उसकी रिक्वेस्ट पे स्पॉन्सर बैंक की रिक्वेस्ट पे सरकार जो है आर को स्थापित कर सकती स्थापना कर सकती है टू ऑपरेट विद इन लोकल लिमिट्स और वो एक पर्टिकुलर लोकल लिमिट है जहाँ पे वो ऑपरेट करेंगे स्पॉन्सर बैंक इज अ बैंक बाई विच आर आर बी इज स्पॉन्सर्ड एंड इट होल्डस थर्टी फाइव परसेंट ऑफ इशूड कैपिटल ऑफ आर आर बी तो स्पॉन्सर बैंक जो होता है वो आर को स्पॉन्सर करता है और पैंतीस जो है इशूड कैपिटल जो है आर की वो स्पॉन्सर बैंक के साथ रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट फिफ्टी इसमें होल्ड करती है पोजीशन और बाकी जो है फिफ्टीन परसेंट वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है इनका शेयर दीज बैंक्स आर इंगेज इन बैंकिंग बिजनेस एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट एज मैंशन इन सेक्शन फाइव बी ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट तो जैसा कि सेक्शन फाइव जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का उसके तहत जैसे बाकी बैंकिंग कंपनियां बैंकिंग बिजनेस करती हैं तो वैसे ही ये भी कर सकते हैं एक्सेप्ट सेक्शन फाइव बी तो सेक्शन फाइव बी के तहत ये भी काम करते हैं जैसे बाकी बैंकिंग कंपनियां काम करती हैं मैनेजमेंट ऑफ आर बी आर आरबी डन बाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड इज इंपावर टू मेक रेगुलेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू प्रोविजन ऑफ आर बी आई एक्ट इन कंसल्टेशन विद स्पॉन्सर बैंक एंड विद प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट तो आर का जो मैनेजमेंट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा किया गया है करा जाता है और बोर्ड ऑफ बोर्ड जो होता है उसके पास ये शक्तियाँ होती हैं एम्पावर्ड होता है वो टू मेक रेगुलेशन कि वो अपने रूल रेगुलेशन बना सकता है किस लिए टू गिविंग फॉर गिविंग इफेक्ट टू प्रोविजन ऑफ आर जो आर के प्रोविजन्स हैं उनको लागू करने के लिए बोर्ड रेगुलेशन बनाता है इन कंसल्टेशन विद स्पॉन्सर बैंक इस्पॉन्सर बैंक के साथ कंसल्ट करके और केंद्र सरकार की जो प्रायर परमिशन है वो उसमें चाहिए होती है अप्रूवल चाहिए होता है चेयरमैन ऑफ बोर्ड इज़ अपॉइंटेड बाई स्पॉन्सर बैंक फ्रॉम इट्स ऑफिसर्स इन कंसल्टेशन विद नाबार्ड तो इसका जो चेयरमैन है वो इस्पॉन्सर बैंक के द्वारा नियुक्त किया जाता है इन कंसल्टेशन विद नाबार्ड कंस, नाबार्ड से कंसल्टेशन करके और अदरवाइज इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट या तो नाबार्ड से कंसल्टेशन होगा या फिर जो केंद्र सरकार से कंसल्टेशन के बाद इनका चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है एवरी आर आर बी हैजू क्लोज एंड बैलेंस इट्स अकाउंट ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च और अदर डेट स्पेसिफाइड ऑडिटर है ऑडिटर रिपोर्ट एंड रिपोर्ट ऑन वर्किंग लेड बिफोर पार्लियामेंट तो आर आर बी को भी जैसे बाकी बैंक को है थर्टी फर्स्ट मार्च को अपने जो बैलेंसेज हैं बैलेंस और जो अकाउंट हैं वो क्लोज करने होते हैं और ऑडिटर जो है वह अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और इन ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट और रिपोर्ट ऑन वर्किंग हैज़ टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट तो ऑडिटर की रिपोर्ट और जो वर्किंग बैंक की कैसी है उसकी रिपोर्ट पार्लियामेंट जो है हमारी उसके सम्मुख रखी जाती है वहाँ पे प्लेस की जाती है टू और मोर आर आर बी मे बी एमेलगमेटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट कोई भी दो या दो से ज़्यादा जो आर आर बीज हैं रीजनल रूरल बैंक हैं उनको आपस में मर्ज किया जा सकता है एमेलगमेट किया जा सकता है मिलाया जा सकता है केंद्र सरकार के द्वारा उसके लिए उनको एक नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में देना होता है नेशनलाइज बैंक क्या होते हैं साथियों नेशनलाइज बैंक द दें जनरल सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर डन बाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो नेशनलाइज बैंक साथियों जैसे कि जो बैंक जब नेशनलाइज हुए थे आपको काफी एक इंपॉर्टेंट घटना थी जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी उस समय बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था तो जो बैंक बनाए गए थे उनको नेशनलाइज बैंक कॉमनली कहा जाता है और नेशनलाइज बैंक का जो सुपरटेंडेंस है उनका ओवरऑल ओवरऑल जो सुपरविज़न है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा किया जाता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो पॉलिसी मैटर पे डायरेक्शंस इशू कर सकती है नेशनलाइज बैंक को डायरेक्टर ऑफ नेशनालाइज बैंक और नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और इलेक्टेड फ्रॉम शेयर होल्डर तो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें नॉमिनेट करेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या फिर उनके शेयर होल्डर्स के में से उनको इलेक्ट किया जाएगा आर बी आई में अपॉइंट वन और मोर एडिशनल डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ नेशनलाइज बैंक एडिशनल डायरेक्टर्स शेल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ आर बी आई फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग थ्री ईयर आर बी आई को अगर जरूरी लगता है कि एडिशनल डायरेक्टर की जरूरत है तो आर बी आई एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है आर आर बी नेशनलाइज बैंक के बोर्ड पर और ये जो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किए जाएंगे आरआरबी के द्वारा वो या तो प्लेजर ऑफ आरबीआई जब तक आरबीआई चाहे तब तक रह सकते हैं वो मैक्सिमम इनका जो टाइम है वो तीन साल है तीन साल से पहले पहले इनको सेवा से इनको हटाना होता है एवरी नेशनलाइज बैंक हैज़ टू क्लोज इट्स अकाउंट एज ऑन थर्टी मार्च और अ डेट डिसाइडेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट तो जैसे बाकी जगह हमने देखा यहां भी थर्टी मार्च को नेशनलाइज बैंक को अपनी बुक्स जो हैं वो क्लोज करनी होती हैं अकाउंट्स क्लोज करने होते हैं या फिर थर्टी फर्स्ट मार्च या कोई और डेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करे ऑइटर शेल मेक अ रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट एज स्टुलेटेड इन सेक्शन टेन ऑफ द कंपनीज एक्ट तो सेक्शन टेन जो कंपनीज एक्ट का है उसके तहत उसमें जो परफॉर्मा है उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को जानी होती है ऑडिटर अपनी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं ऑडिटर शेल सेंड कॉपीज़ ऑफ रिपोर्ट टू बैंक एंड आर सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी आर को जाएगी और बैंक जिसका ऑडिट किया जा रहा है उसको भी रिपोर्ट की कॉपी जाती है द ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड रिपोर्ट ऑफ बोर्ड हैज़ टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट तो जो ऑडिटर की रिपोर्ट है और जो बोर्ड जो रिपोर्ट बनाता है वर्किंग ऑफ़ बैंक के ऊपर कि बैंक किस तरह से काम कर रहा है फंक्शनिंग के ऊपर ये दोनों ही रिपोर्ट जो हैं वो पार्लियामेंट के सामने प्रस्तुत करनी होती हैं उनके सामने प्लेस की जाती हैं कोऑपरेटिव बैंक्स साथियों क्या होते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स आर फाइनेंशियल एंटिटीज इस्टेबलिश ऑन अ कोऑपरेटिव बेसिस एंड बिलोंगिंग टू देयर मेंबर्स तो ये कोऑपरेटिव बेसिस पे जो संस्थाएं बनाई जाती हैं कोऑपरेटिव एंटिटीज़ हैं वही बैंक का काम करती हैं कोऑपरेटिव बैंक्स आर फाइनेंशियल एंटिटीज़ उन्हीं में से कुछ जो फाइनेंशियल एंटिटीज़ होती हैं वही कोऑपरेटिव बैंक होते हैं और ये बिलोंग करते हैं इन अपने मैंबर्स को दिस मीन्स दैट द कस्टमर ऑफ अ कोऑपरेटिव बैंक्स आर ऑल्सो इट्स ओनर तो इसके जो कस्टमर होते हैं जिनको ये फाइनेंसिंग करते हैं वही इसके ओनर भी होते हैं दीज बैंक प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ रेगुलर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज तो ये जो बैंक हैं ये कई तरह की रेगुलर बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं इन इंडिया कोऑपरेटिव बैंक आर रजिस्टर्ड अंडर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट तो भारत में जो भी कोऑपरेटिव बैंक हैं वो रजिस्टर होते हैं स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत दे आल्सो कम अंडर रेगुलेटरीज एम्बिट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर टू लॉज नेमली द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड बैंकिंग लॉज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1955. तो ये दोनों जो लॉ हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और बैंकिंग लॉज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1955. तो इन दोनों लॉ जो हैं कानून जो हैं इनके तहत ये आर के अंडर भी आते हैं आर भी इनके आर के परव्यू में आर बी सुपरविज़न में ये आते हैं अब प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक इज़ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी अदर अ प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी विच अब कोई प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक है तो वो क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी है अदर देन प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी लेकिन तीन कंडीशन है इट हैज़ टू पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन वन लाख एक लाख से ज़्यादा पेड अप कैपिटल होना चाहिए तभी वो प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक की तरह एक्ट कर सकती है वो सोसाइटी प्राइमरी बिजनेस उसका बैंकिंग ही होना चाहिए और बाइलॉज़ डू नॉट परमिट एडमिशन ऑफ एनी अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी एज अ मेंबर तो जो उसके कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो बाइलॉज हैं जो रूल्स हैं वो इस बात को परमिट ना करें कि उसमें कोई और कोऑपरेटिव सोसाइटी को मेंबर बनाया जा सके तो इनो ये तीनों कंडीशन अगर ये फुलफिल होती हैं तो कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर सोसाइटी हैं वो बैंक की तरह हो सकती हैं एवरी कोऑपरेटिव बैंक रिक्वायर लाइसेंस फ्रॉम आर अंडर सेक्शन ट्वेंटी ऑफ़ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हाई एवर प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज़ आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम दिस रिक्वायरमेंट तो जितने भी कोऑपरेटिव बैंक हैं उनको सेक्शन 22 ऑफ़ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत आर से लाइसेंस लेना होता है हालांकि जो प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी हैं उनको एक्जैम्पन मिला हुआ है उनको इससे छूट मिली हुई है कोऑपरेटिव बैंक रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ आरबीआई फॉर ओपनिंग अ न्यू प्लेस ऑफ बिजनेस अब जैसे बाकी बैंक हमने देखे थे उनको भी प्रायर परमिशन लेनी होती है आरबीआई से नई ब्रांच खोलने के लिए या नया कोई बिजनेस जो नए जगह पर अगर शुरू करते हैं तो उसके लिए प्रायर परमिशन कोऑपरेटिव बैंक को भी आर से लेनी होगी कॉपरेटिव बैंक को लिक्विड एसेट मेंटेन करने होंगे जैसा कि सेक्शन ट्वेंटी फोर बी आर एक्ट में दिया हुआ है एवरी कोऑपरेटिव बैंक हैज़ टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑन लास्ट डे ऑफ द ईयर और इनको भी अपनी प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनानी होगी जैसे बाकी कंपनीज़ को बनानी होती हैं और इनकी तीन जो कॉपीज़ हैं बैलेंस शीट की और अकाउंट की ये आर को जाएंगी थ्री कॉपीज़ ऑफ सच बैलेंस शीट एंड अकाउंट हैव टू गो टू आर स्टेट कॉपरेटिव एंड नेशनल तो आल्सो तो आरबीआई को तीन कॉपीज जाती हैं और स्टेट कॉपरेटिव और नेशनल कॉपरेटिव हैं उनको नाबार्ड को भी ये सब रिटर्न जो हैं वो सबमिट करने होते हैं प्रोविजन ऑफ सेक्शन थर्टी फाइव रिलेटिंग टू इंस्पेक्शन आर एप्लीकेबल टू कॉपरेटिव बैंक विद माइनर मॉडिफिकेशन आर में ऑल्सो कॉल फॉर इंस्पेक्शन तो थर्टी फाइव सेक्शन थर्टी फाइव एक्ट जो है एक्ट का उसके तहत जो इंस्पेक्शन के जो नियम हैं वो कॉपरेटिव बैंक्स पे भी लागू होते हैं कुछ माइनर मॉडिफिकेशंस के साथ और आरबीआई जो है अगर चाहे आरबीआई को लगता है कि ऐसा जरूरी है तो वो कभी भी इंस्पेक्शन कॉल कर सकता है किसी भी कोऑपरेटिव बैंक का द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट 1961 सिक्सटी वन इज़ एप्लीकेबल फॉर कोऑपरेटिव बैंकस ऑल्सो तो डी आई सी जी सी एक्ट जो है नाइनटीन सिक्सटी वन का वो कोऑपरेटिव बैंक पे भी लागू होता है सेक्शन 130 थर्टी ऑफ डी आई सी जी सी एक्ट मैंशन द सर्कम स्टांसेज इन विच आर बी आई वाइंडिंग रिक्वायर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक और इसका जो सेक्शन 130 थर्टी है वो बताता है कि वो कौन से सरकम स्टांसेज होंगे किन परिस्थिति कैसी परिस्थितियाँ होंगी जिनमें आर बी आई किसी भी कोऑपरेटिव बैंक का वाइंडिंग अप का ऑर्डर जारी कर सकता है और ये जो दिए हुए हैं कौन कौन सी कंडीशंस हैं या तो वो कॉपरेटिव बैंक जो है इट हैज फेल्ड टू कंप्लाई विद रिक्वायरमेंट ऑफ पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व तो अगर वो सेक्शन 130 में ये दिया हुआ है कि अगर कॉपरेटिव बैंक फेल कर जाता है जितनी पेड अप कैपिटल और रिजर्व चाहिए उतना मेनटेन नहीं कर पाता है तो उसकी वाइंडिंग अप आर के द्वारा की जा सकती है या फिर बैंक अंडर सेक्शन ट्वेंटी बिकम्स डिस इंटाइटल टू कैरी ऑन बैंकिंग बिजनेस और सेक्शन ट्वेंटी में जो चीज़ें दी हुई हैं उनमें से कुछ हो जाता है और जो बैंक है वो डिस हो जाता है टू कैरी ऑन बैंकिंग बिजनेस तब भी वाइंडिंग अप उसकी हो सकती है बी एक्ट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के को कम्प्लाई नहीं करता है उसके तहत फेल टू कंप्लाई विद बी एक्ट या तब भी वाइंडिंग अप की जा सकती है अनेबल टू पे इट्स डेप जो उसके डेप्ट हैं उनको पे नहीं कर पा रहा है तब भी आर वाइंडिंग अप का ऑर्डर जारी कर सकता है इन ओपिनियन ऑफ आर बी ऑफ बैंक इज़ नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट या फिर आर को लगता है कि उस पर्टिकुलर कोऑपरेटिव बैंक्स का संचालन उनका चलना जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है पब्लिक के फेवर में नहीं है तो फिर आर बी बाइंडिंग अप का ऑर्डर दे सकता है वाइंडिंग अप प्रोसीजर शुरू कर सकता है तो साथियों इस वीडियो में इतना ही था और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही हमारे जितने भी साथी जे का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बैंकर साथी उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं कि वीडियो आपको कैसी लगी कोई सजेशन है वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद थैंक यू